खिलाफ हमने देखा है, पहले कांग्रेस पार्टी थी, अब आम आदमी पार्टी भी अग्निपथ स्कीम के खिलाफ जो है सड़कों पे आ चुकी है और मजम्मत की है हुकूमत की। उनका कहना है कि ये एक धोखा है, नाइंसाफी है यहाँ के युवाओं के साथ। देश में हमने देखा कि अग्निपथ स्कीम जब अनाउंस हुई उसके बाद युवाओं में काफी गुस्सा था, उसी को शायद भुनाने की कोशिश है कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी की। हालांकि कल जो मीटिंग हुई थी, तीनों जो सेना अध्यक्ष थे उन्होंने ये साफ किया था कि ये जो पॉलिसी है ये बहुत अच्छी स्कीम है, इसको रोल बैक नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सड़कों पे है इस पॉलिसी के खिलाफ। आप देख सकते हैं यहाँ पे जम्मू में इस वक्त आम आदमी पार्टी का प्रोटेस्ट जो है, आप देख सकते हैं अग्निपथ स्कीम के खिलाफ ये प्रोटेस्ट है। आप देख सकते हैं कि इनका साफ कहना है कि अग्निपथ स्कीम को रोल बैक किया जाए, ये युवाओं के हित में नहीं है। जबकि जो सेना अध्यक्ष है उन्होंने कल ही बयान दिया है कि इसको रोल बैक नहीं किया जाना चाहिए, ये जो है युवाओं के पक्ष में है, उनको देशभक्ति का जज्बा सिखाएगी। लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी सड़कों पे है इस पॉलिसी के खिलाफ। आप सुन सकते हैं बीजेपी के खिलाफ जो है नारेबाजी की गई है। ये देखिए आज का जो हमारा प्रोटेस्ट है अग्निपथ स्कीम के खिलाफ है। आप देख रहे हैं युवा के साथ कितना अत्याचार हो रहा है। अगर मैं जम्मू कश्मीर के युवा की बात करूं, आगे ही इतना यहां पर प्रोटेस्ट हो रहा है। हमारा युवा सड़कों पे है, वो चाहता है हमें नौकरी दो। इवन कि जो लोग हमारे काम कर रहे हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट में वो भी जगह जगह प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और ऊपर से ये अग्निपथ स्कीम लगा के सरकार ने अगेन युवा के साथ बहुत गलत किया, अत्याचार किया है। हमारा युवा रोडों पे आ चुका है। हम सरकार से कहते हैं कि इस अग्निपथ स्कीम को जल्दी से जल्दी वापिस लो। अगर इस अग्निपथ स्कीम को वापिस नहीं लिया, यकीन मानिए आम आदमी पार्टी का प्रोटेस्ट और बढ़ता जाएगा। भारत माता के, भारत माता के। सकते हैं आप सुन सकते हैं कि किस तरह से अग्निपथ स्कीम के खिलाफ जो गुस्सा है आम आदमी पार्टी का वो आज फूटा है। और उनका कहना है कि इस स्कीम को वापस नहीं लिया जाएगा तो आने वाले दिनों में भी वो सड़कों पे आ सकते हैं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता हैं। क्यों ये स्कीम चाहते हैं? सेना अध्यक्ष ने कल कह दिया कि ये स्कीम रोल बैक नहीं होनी चाहिए। सेना के जनरल को पब्लिक में लाने का मतलब है कि आप सेना का राजनीतिकरण कर रहे हो। बीजेपी आरएसएस क्या साबित करना चाहती है आज हिंदुस्तान में? हिंदुस्तान में युवाओं के लिए नौकरियां नहीं है। आज हिंदुस्तान का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है पिछले 50 साल में सबसे ज्यादा है। ऊपर से सोने पे सुहागा यह है कि सरकार एक स्कीम लेके आई है जिस स्कीम में 4 साल के बाद एक नौजवान जो भर्ती होगा 17-18 साल की उम्र में, 22-23 साल की उम्र में जाके वो रिटायर हो जाएगा। आप ये सोचिए 22-23 साल की उम्र में जाके वो रिटायर हो जाएगा, उसके बाद उसके लिए क्या है? ना आपके पास इंडस्ट्री है, ना आपके पास सरकारी नौकरी है। सरकार ने कहा कि पैरामिलिट्री फोर्सेस में हम लोग इनका चयन करेंगे। आप ये बताइए आपने पिछले 4 साल में पैरामिलिट्री फोर्सेस की कितनी वैकेंसियां निकाली?
होम मिनिस्ट्री की वेबसाइट कहती है कि 80,000 पोस्टें वैकेंट है जो फिलअप नहीं की जा रही है। आप ये हिंदुस्तान के युवा के साथ मजाक करना बंद करो। आपको नहीं लगता है कि सियासत ज्यादा हो रही है इस स्कीम पे? क्योंकि एक तरह से देशभक्ति की भावना आएगी, हम कहीं डिप्लोमा करते हैं उसके साथ साथ जो है हम पेमेंट भी करते हैं, यहाँ तो सरकार को पेमेंट करना है उनको। सुनिए, ऐसा है 4 साल के लिए करना है क्या? नौजवान 25% लोग आगे भी जाएंगे? नहीं, कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे? आपने युवाओं का भविष्य अंधकार में झोंक दिया है। हिंदुस्तान ऑलरेडी अंधकार में है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हिंदुस्तान का नौजवान है जिसको ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं, उस ह्यूमन रिसोर्स को खत्म करने का काम कर रही है आम आदमी पार्टी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये काम नहीं करने देगी, ऐसी सरकार को जड़ से उखाड़ के वोट फेंक देगी। आने वाले दिनों में अगर इसको रोल बैक नहीं किया जाता, जो आपकी मांग है, तो क्या रास्ता क्या बचता है आपके पास? गवर्नमेंट को इसको रोल बैक करना पड़ेगा। हिंदुस्तान का युवा सड़कों पे है, कल ज्यादा बुरा हाल हो जाए हिंदुस्तान को, उससे पहले पहले सरकार को ये सारा मसला, सारा कानून जिसको ये अग्निवीर कह रहे हैं, उसको रोल बैक करना पड़ेगा। तो रोल बैक करना ही होगा, ये कहना है आम आदमी पार्टी के नेताओं का। उनका कहना है कि अगर इसको नहीं किया जाता, वापस नहीं लिया जाता इस स्कीम को, तो इनका जो प्रोटेस्ट है ये इससे भी ज्यादा तेज होगा आने वाले दिनों में। हमने देखा है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टियां जो अपोजिशन में हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी है, चाहे वो आम आदमी पार्टी है, तमाम सड़कों पे आ चुकी है स्कीम के खिलाफ। हालांकि सेना का इस मुद्दे में आना, इनका कहना है कि कहीं ना कहीं सेना को भी सियासत में खींचना है, वो नहीं होना चाहिए था। लेकिन कहीं ना कहीं जब सेना अध्यक्ष खुद ये कहते हैं कि इस स्कीम रोल बैक नहीं होनी चाहिए, तो वाकई अफसोस होता है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टियां किस तरह से सेना की बात को भी कंट्राडिक्ट करती हैं। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही, देखते रहिए लेटर, देखते रहिए बहु एक्सप्रेस।